हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरी सर, फैकल्टी ऑफ अर्थमेटिक एट कटारा डिफेंस एकेडमी। कैसे हाल चाल हैं आप सभी लोगों के? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक कक्षा के छात्रों को 6, 8 या 10 के समूहों में बांटा जाता है, तो कक्षा में कितने न्यूनतम छात्र हैं? तो न्यूनतम वैल्यू पता करनी है, तो ये ग्रुप बनाने हैं 6 का, 8 का और 10 का। तो ग्रुप बनाने के लिए और न्यूनतम छात्र भी होने चाहिए, तो इनका क्या पता करें हम? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 6 का, 8 का और 10 का, इनका एलसीएम पता करें। तो एलसीएम कितना हो रहा होगा इनका? एक प्रकार के अक्षर एक जगह से कलेक्ट करने हैं जो मैक्सिमम हो। तो 2 के सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहां पर हैं, 3 के एक ही है कहीं पर नहीं है, 1, 5 का ये वाला और तो कुछ है नहीं। तो इनका एलसीएम आएगा 5 × 15 × 30 × 60 × 120, तो 120 आ गया। तो 120 ऐसे छात्रों की संख्या हो गई जिसमें 6 के भी ग्रुप बन जाएंगे। तो 6-6 के कितने ग्रुप बनेंगे? 20 ग्रुप बनेंगे। अगर 8 स्टूडेंट हो प्रत्येक ग्रुप में, तो 8 × 8 और 8 × 45, तो 15 ग्रुप बन जाएंगे। और अगर 10-10 के छात्र होंगे तो 12 समूह बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिएगा। इसने कहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु है वो 21 वर्ष है। एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? एक बार प्रॉपर से देखें तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु है वो 21 वर्ष है। तो औसत 21 है तो टोटल आयु का योग कितना होगा? तो वो होगा 21 × 10, 10। ये 10 व्यक्तियों की आयु का योग हो गया। अब 11वां व्यक्ति आ रहा है, उसकी आयु हमने लेट कर ली, वो x है। तो ये x ये क्या बन गई अब? 11 व्यक्तियों की आयु का योग। अब ये 11 व्यक्तियों की आयु का योग को 11 व्यक्तियों की आयु के योग के बराबर कर दो। लेकिन अब आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है, पहले 21 थी तो अब कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बढ़ के? 23। अब 23 तो 1 की है औसत है, तो 11 आदमी हो गए समूह में, 10 पहले थे 1 अब आ गया। तो 11 व्यक्ति की आयु का योग कितना होगा? ये भी 11 व्यक्तियों की आयु का योग, ये भी। तो ये कितना आ गया? 210 प्लस x बराबर 253। तो x की वैल्यू यहां से पता किया तो 253 210, तो कितना आ गया यहां से? 43 यार। तो जो 11वां व्यक्ति जो हमने आया था उसकी आयु कितनी हो गई? 43 वर्ष। इसे थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे भी देख सकते थे कि औसत 21 वर्ष है, इसका मतलब जो 11वां व्यक्ति है वो 21 साल तो लेकर के आएगा अपनी आयु, प्लस उसके आने से हर एक समूह के, मतलब 10 तो पहले वाले और 11 खुद वहां, तो 11 व्यक्तियों की आयु कितनी कितनी साल बढ़ा रहा है? 2-2 साल। तो 11 व्यक्तियों की आयु 2-2 साल बढ़ेगी, तो 21 साल औसत की लेके आया और 2-2 साल 11 व्यक्तियों के लिए औसत को बढ़ाने के लिए लेके आया है। तो टोटल कितनी लेके आनी पड़ेगी उसे? 11 × 22, तो कितना? 43 ईयर। ऐसे भी सोच सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? इसका मतलब क्या है कि इन सभी का भाग जाए तो कितने समय बाद? तो इन सभी का भाग, और वो पहला वाला समय कौन सा आएगा जिनमें इन सभी का भाग चला जाए? तो वो होगा इनका एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में फिर इनका एलसीएम पता करना है। तो 5 का, 6 का, 8 का और 9 का एलसीएम फैक्टर टेक्निक से कर लेते हैं। 5 × 1 2 × 3 2 × 2 × 2 और 3 × 3, तो इनका एलसीएम आएगा, 2 के मैक्सिमम यहाँ पर हैं तो इनको कलेक्ट कर लो, 3 के मैक्सिमम यहाँ पर हैं तो इनको कलेक्ट कर लो, 3 यहाँ से नहीं लेंगे, अब 5 यहाँ पर है मैक्सिमम, 1 ही है जितना भी है, तो ये वाला कलेक्ट कर लिया।
पाँच सी पंद्रह, पैंतालीस नब्बे, दुनिया एक सौ अस्सी, दुनिया तीन सौ साठ। मतलब आया कि वो घड़ी है पुनः चारों घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, 360 सेकंड बाद। और 360 सेकंड तो उसमें नहीं दे रखा, आंसर मिनट में दे रखा है। तो 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर कितना आया, 6 MNT। कितने समय बाद चारों घंटियां एक साथ बज रही होंगी, 6 मिनट बाद। क्वेश्चन नंबर अगला वाला पढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में कहा है कि दो स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 138 किलोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 138 किलोमीटर। ये वाली दूरी है 138 किलोमीटर। एक ही समय पर एक ट्रेन पी से चल रही है, एक क्यू से चल रही है, एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक ट्रेन पी से क्यू की ओर, दूसरी क्यू से पी की ओर चलती हैं। एक ट्रेन की चाल दूसरी से 7 किलोमीटर पर आवर कम है, मतलब एक ट्रेन की चाल है वो 7 किलोमीटर पर आवर कम है। धीमी ट्रेन की गति है वो पता करना है हमें। तो सबसे पहले वही डिस्टेंस किसके बराबर होगी, स्पीड इनटू टाइम के बराबर। तो देखते हैं डिस्टेंस कितनी चलनी है दोनों को मिलने के लिए, पी से और क्यू से चलने वाली ट्रेन को 138 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो आ गई हमारे पास 138। अब स्पीड देखें तो स्पीड के लिए बताया गया है कि जब भी दोनों आर्टिकल मूविंग कंडीशन में हैं और एक ही समय पर चल रहे हैं तो कौन सी स्पीड लगेगी इनकी, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड, दोनों की रिलेटिव स्पीड हम देखें, स्पीड रिलेटिव, तो ये कैसे बनेगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं तो स्पीड बनेगी जोड़ के। तो एक की चाल और दूसरी की चाल जितनी भी आऊंगी लेकिन दोनों की चालों का योग, ये यहां पर स्पीड होगी, वो कौन सी है, रिलेटिव स्पीड से चल रही हैं। तो ये वाली रिलेटिव स्पीड से चलेगी इनटू कितने समय में, ट्रेन एक ही हाँ, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है। दोनों ट्रेन की चाल दूसरी से 7 किमी पर आवर कम है, यदि दोनों ट्रेन यहाँ पर होगा, यदि दोनों ट्रेन 6 घंटे बाद, यदि दोनों ट्रेन 6 घंटे बाद मिलती हों, दोनों ट्रेनों को मिलने का समय है वो कितना है, 6 घंटे। तो टाइम कितना दिया है, 138 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है लेकिन कितने समय बाद, 6 घंटे टाइम है ये, 6 घंटे। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 138/6, तो ये कितनी आ गई, 23। मतलब दोनों ट्रेनों की चालों का योग 23 किमी पर आवर है। तो ऐसी चाल दो पता करो यहाँ से कि जिनका योग कितना होना चाहिए, 23, और जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 7 किमी पर आवर, क्योंकि एक ट्रेन की चाल दूसरी से कितनी कम है, 7 किमी पर आवर। तो देखें ए प्लस बी या S1, दोनों ट्रेनों की चालों का योग 23 है और दोनों का अंतर कितना है, वो है 7। तो बताओ S1 मतलब जो तेज गति से चल रही है, तो यहाँ से SAS, तो 2S बराबर हो जाएगा 30। तो एक ट्रेन की चाल आ गई 15, तो दूसरी वाली चाल S का मान यहाँ पर रखेंगे तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी आ रही होगी, 8। तो ये कितना आ रहा होगा, धीमी चलने वाली ट्रेन की गति आ रही होगी 8 किमी पर आवर, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। कितने गुना करना है हमें, 8 गुना। तो देखते हैं 2 गुना होने का मतलब क्या है कि 2 की पावर 1 होने में, मतलब 1 गुना होने में, 2 गुना हो रही है मतलब एक तो प्रिंसिपल होगा, तो 2 गुना होने में कितना समय लग रहा है इसको, 15 वर्ष।
तो पूछा है 8 गुना होने में, तो 8 गुने का मतलब क्या है? अगर इसे पावर फॉर्मेट में लिखें तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। बताओ एक गुना होने में 15 वर्ष लग रहे हैं, तो 8 गुना मतलब 3, अब 2 की पावर 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 3 गुना मतलब 2 की पावर 3, 8 गुना होने में उसे कितना समय लग रहा होगा? 3 × 15, तो इसका आंसर आ रहा होगा 45 ईयर्स। ऑप्शन होगा इसका 41st वाला। क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक दुर्ग में 42 दिन की भोजन सामग्री है, 10 दिन पश्चात 200 जवान और आ जाने से सामग्री 24 दिन चलती है। पता करना है दुर्ग में कितने जवान थे। देखते हैं, एक दुर्ग में 42 दिनों की भोजन सामग्री थी, हमें नहीं मालूम कितने जवान थे स्टार्टिंग में, लेकिन हमें यह पता है कि 42 दिनों की भोजन सामग्री है, मतलब एक दुर्ग में 42 दिनों की भोजन सामग्री है, जितने भी जवान हैं वो उसको 42 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ 10 दिन के पश्चात 200 जवान और आ जाते हैं, तो हमें पता है कि 42 दिनों की भोजन सामग्री टोटल थी, उसमें से 10 दिन खाई जा चुकी है, तो बताओ जितने भी जवान थे मान लिया एक्स हैं, तो इनका कितने दिन की सामग्री बची हुई है? तो 42 में से 10 दिन अगर वो खा चुके हैं तो इतनी सामग्री बची हुई है, मतलब जितने भी मजदूर थे उसमें उनकी 32 दिन की सामग्री बची हुई है टोटल। अब इस खाद्य सामग्री को जो बची हुई है, अब इनको खाने वाले कितने हैं? तो एक्स तो पहले थे, अब 200 और ऐड हो गए हैं, अब इतने जवान हैं, और इन जवान कितने दिन में खा रहे हैं? तो उसने कहा है आ जाने से सामग्री है वो 24 दिन में समाप्त हो जाती है। तो इतने जवानों की ये कितने दिन की सामग्री है? 24 दिन की। सॉल्व करते हैं इसको, 8 से 4 बार 8 से 3 बार, तो ये हो रहा होगा 4x = 3x + 600। एक्स को इधर ले आओ तो ये एक्स बराबर कितना होगा? 600। तो एक्स क्या लेट किया था हमने स्टार्टिंग में, जवानों की संख्या, तो स्टार्टिंग में जवान कितने थे? 600। क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस वाली क्वेश्चन में हम यहां से तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि 10 में हम इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लास्ट से सॉल्व करो। अब हम देखें तो 2225 अगर इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 15। ऐसा नहीं कि अब इसको अलग अलग स्टेप बाई स्टेप 4 स्टेप में करूं, पहले इसका वैल्यू रखूं फिर इसमें ऐड करूं, तो इसको हमें तुरंत यहीं पर पता करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू होगी 15, तो 15 और 154 अगर इन दोनों का ऐड होंगे तो ये कितना आ रहा होगा? इसकी वैल्यू 15 होगी और 154 इसकी होगी, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 169, 169 और 169 का फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो 169 स्क्वायर रूट कितना होगा? 13, तो ये वैल्यू 13 आ रही होगी। अब इस वैल्यू को अगर मैं 13 108 में ऐड करूंगा 13, तो ये कितना आ रहा होगा टोटल? ये आ जाएगा 121 और फिर इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो 121 का कितना आ रहा होगा? 11। अब इसकी वैल्यू टोटल की 11 आ गई, तो इस 11 को अगर मैं 25 में ऐड करूंगा तो ये जो वैल्यू टोटल आ रही होगी ये कितनी आ रही होगी? 11 और 25 36, और 36 में फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये कितना आ रहा होगा? 6, और 6 फिर 10 के साथ में ऐड करूंगा तो 16, और 16 में फिर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 4। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर मैं बता दूंगा। बाद बाकी एक इसी को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, ये नहीं कि बार बार पहले एक स्टेप कर लिया, इसकी वैल्यू 15 लिया है, फिर इसमें जोड़ लिया, फिर 169 बना लिया, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला 13 निकाला, फिर इसके बाद में अगले स्टेप में फिर 13 जोड़ रहे हैं, 121 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर इसमें 11 जोड़ा, फिर कितना हो गया? 36 हो गया, 36 के बाद 6 आ गया, फिर 10 में 6 जोड़ा 16। ये स्टेप बाई स्टेप करोगे काफ़ी लेंदी हो रहा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा है एक विक्रेता 170 रुपये प्रति किलो की दर से सेब बेचने पर 15% की हानि उठाता है।
मैंने मान लिया कि टोटल 100% होगा, तो इसमें से 100% तो सीपी होगा उसका, फिर 15% की हानि जा रही है, तो पहला उसका एसपी होगा वो कितना होगा, 85%, 85% या 85 यूनिट टोटल, 85% होगा या 85 यूनिट होगा, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, अगर एसपी हमारे हिसाब से 85, क्वेश्चन के हिसाब से 170, तो 85 यूनिट का मान 170 है, तो एक यूनिट का मान कितना आया, 2, जब एक यूनिट का मान 2 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200, मतलब उसका जो सीपी है वो कितना है, 200। अब उसने कहा है कि सेब को 230 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, सीपी 200 है और बेच कितने में रहा उसे, 230 में, तो 200 रुपये की चीज को 230 में बेचेगा तो 30 रुपये का लाभ उठाएगा वो, और ये लाभ किस पर मिलेगा, वो 200 रुपये पर, तो परसेंटेज में चेंज करें तो 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन, तो ये कितना होगा, 15%, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो इसके ऑप्शन है ये वाले, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला वाला क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th का है कि दो बर्तन P और Q हैं और इनमें दूध और पानी की मात्रा का जो अनुपात है वो 3:2 और 4:1 का है, दोनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो पूछा गया है कि तीसरे बर्तन में दूध और जो पानी होगा उसका रेशियो पूछा गया है, नहीं पानी और दूध का, तो देखते हैं, अगर बर्तन पी की बात करें तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 3:2 का, और क्यू में कितना है, तो क्यू बर्तन में है 4:1 का अनुपात, तो देखें 3 मिल्क है 2 वाटर है, तो टोटल मिश्रण कितना होगा, 5, और इसमें भी मिश्रण कितना हो गया, 4 और 1 5, तो दोनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण लेंगे तो 5 इससे ले लिया, 5 इससे ले लिया, टोटल 10 आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें मिल्क और वाटर इनका मिश्रण है टोटल अगर बराबर है और उसने बराबर अनुपात में निकलवाया है, तो इसमें क्या करना है, दूध में दूध जोड़ दो तो 7 और पानी में पानी तो 3, तो टोटल जो 10 लीटर आएगा उसमें 7 लीटर दूध आएगा 3 लीटर पानी आएगा। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये है कि नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है पानी और दूध का अनुपात, तो हमारा ये वाला किसका आया है, 7:3 में ये आया है किसका, दूध और पानी का, लेकिन उसने पूछा है पानी और दूध का, तो पानी और दूध का अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:7, तो इसका ऑप्शन पहले पर ही 7:3 का दिया है, जल्दी ना करें देखते रहें क्या चीज़ क्या पूछी है उसने, इसका ऑप्शन होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 9th फिनिश हो गया, अगला वाला क्वेश्चन 10th एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में कहा है कि तीन संख्या का औसत है 31, तो तीन संख्याओं का औसत 31 है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, औसत में अगर संख्याओं का गुना कर देंगे तो वो आ रहा होगा उनका योग, पहली दो संख्याओं का अनुपात है तो संख्याएं हैं ए बी सी मान लेते हैं, तो पहली दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 का और दूसरी वाली अंतिम दो संख्या बी और सी का अनुपात है वो है 2:7 का, तो इस रो में खाली स्थान के पास में 3 है तो 3 फिल कर दिया, यहाँ पर 2 है तो 2 फिल कर दिया, तो ए बी सी का रेशियो आ गया वो आ गया 2:4, 6 और 21, मतलब ए बी सी जो तीनों संख्याएं हैं वो 4, 6, 21 के अनुपात में होंगी। देखें अब तीनों संख्या हमारी तो इस अनुपात में है, लेकिन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया उसने, योग न दे करके उसने क्या दिया, औसत, तो औसत 31 है तो योग कितना हो जाएगा तीनों का, हमारे हिसाब से 6, 4, 10, 10 और 21 31 यूनिट, और इस 31 यूनिट का मान दिया उसने 93, क्योंकि हमारे हिसाब से औसत का योग 31 है और संख्याओं का योग 31 × 3 93 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 3, जब एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो पूछिए दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या कितनी है 6 यूनिट, तो ये कितनी हो जाएगी, एक यूनिट का मान 3, 6 यूनिट का मान 18, तो इसका आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है लेकिन हमें कॉन्सेप्ट कुछ चेंज नहीं करना, वही
डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर हो रही होगी, स्पीड इनटू टाइम के। यहाँ पे जानने वाली चीज़ें बताया गया था कि अगर दो चीज़ें दोनों ट्रेन हैं, अगर ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को पास हो रही पास कर रही है जिसकी अपनी कुछ लंबाई है, तो ट्रेन उसको पार करने में कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के योग के बराबर। तो डिस्टेंस की बात करें तो एक 96 मीटर लंबी है, एक 72 मीटर लंबी है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो गई, एक दूसरे को पार करने में दूरी चलेंगी 96 प्लस 72, तो इतनी दूरी चली जाएगी दोनों ट्रेनों के द्वारा। अब देखते हैं चाल, देखें क्या दोनों आर्टिकल मूविंग कंडीशन में हैं, तो बिल्कुल हैं, एक 68 किमी पर आवर से, एक 44 किमी पर आवर से। तो दोनों आर्टिकल मूविंग कंडीशन में होने पर क्या लगेगी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन पे चेक होगी, वो डायरेक्शन कैसी है दोनों की, अपोजिट, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड जोड़ के बनती है। तो 68 और 44 ये उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, लेकिन ये वाली तो मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो ये भी चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो किससे चेंज करेंगे, इनटू 5/18। अब पूछा गया है कि कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब टाइम पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 112 × 5/18 × t इक्वल्स टू, सिंपल कर लो इसे, 6 से ये 3 टाइम्स नहीं, इसको सिंपल कर लें, 2 से ये आ गया, 2 से ये, सात से ये, 9 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 27 इक्वल टू 5t, तो t की वैल्यू आ रही होगी 27/5, तो ये आ रहा होगा 5.4 सेकेंड। तो t कितना आएगा, ये आ रहा होगा इसका ऑप्शन नंबर 5.4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसने कहा है ये हमें सॉल्व करना है, तो इसको देखें, ये तो ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, माइनस लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो इसको सॉल्व करें हम, तो 923 और 922 एक बार जोड़ दो इनको, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 1845 923 और 22 हो गए 45, दोनों को जोड़ दिया, एक बार जोड़ना होता है एक बार घटाना होता है, तो इसमें से इसे घटाया तो 1 माइनस, ये तो वैल्यू आ गई इसकी -30, और अपॉन में वही नीचे लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, 80 80 160 और 165 जोड़ दिया और घटा करके कितना आ गया, सॉरी एक बार जोड़ दिया और घटा करके कितना आएगा, 1। इसको सिंपल कर लें, 1845 माइनस 30 तो 1815/165 डिवाइड कर दो इसको, तैतीस से ये सिंपल हो गया 11 और 11, तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, सिंपल करके ये आ रहा होगा 11, ऑप्शन नंबर डी इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो इजी क्वेश्चन है, एक कार्य को 15 दिन में जबकि बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा है, वो उसने पूछा है। तो देखें, एक कार्य को कर रहा है 15 दिन में, बी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, ये टाइम है, टोटल वर्क कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम 60, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 और 3। अब देखते हैं,
दोनों ने मिलकर के, दोनों मिलकर काम करेंगे, ये चार कर रहा है, ये तीन कर रहा है, दोनों मिलकर कितना करेंगे? सात। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है मिलकर के? छः दिनों तक। तो छः दिन में कितना करेंगे? 42। अब उसने काम ये पूछा है तब कार्य का शेष भाग क्या है, तो 60 काम में से 42 हो गया तो कितना काम शेष बचा हुआ उनका? 18। अब ये किस में से बचा हुआ है? टोटल 60 में से। तो ये वाला भाग है जो अभी कार्य का बचा हुआ है, यही पूछा उसने। सरल कर लो, ये 3 times, ये 10 times, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 3/10। और ऑप्शन होगा इसका भी डी, 4। अभी तो इनके कंटिन्यूस 4 के डी ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन नंबर अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 14, 2/3, 4/9 तथा 5/6 का एलसीएम पता करना है हमें। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे पता करते हैं? ऊपर वाली संख्याओं का मतलब न्यूमरेटर है इनका, तो एलसीएम ले लो, और डिनोमिनेटर पोर्शन है इनका एचसीएफ ले लो। तो 2 का 4 का 5 का, तो एलसीएम किन का लेना है हमें? 2, 4, 5। और एचसीएफ किन का पता करना है? डिनोमिनेटर 3, 9, 6 का, तो 3, 9 और 6। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 20। और इनका एचसीएफ निकालेंगे तो वो कितना आ रहा होगा हमारा? 3। तो ऑप्शन आ रहा होगा इसका ऑप्शन बी वाला, इसका ऑप्शन होगा 20/3। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी हैं, इसको करना चाहिए, तीनों अलग अलग भुजाओं की लंबाई है। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या सोचेंगे कि ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज में हमें वही लगाना है हीरोज फार्मूला, पहले साइड, फिर पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो रही होगी। लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचा जाए तो हम देख रहे हैं कि ये 5, 12, 13 ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हम इजीली पता कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वो तो हाइपोटेनियस हो गई, तो ये कितना होगा? 13। अब बचें कौन कौन सी? 5 और 12। तो इनमें से एक 5 होगी, एक 12 होगी, हो सकता है ये 12 होती, ये 5 होती, तो इसका एरिया होगा वो कितना होगा राइट एंगल ट्रायंगल का? 1/2 बेस × हाइट। तो हाफ, इसकी आधार कितना है? 12, और ऊंचाई कितनी है? 5। तो 2 से कितना? 6, तो 5 × 6 आ गया 30 cm². तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।